हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, इतनी सारी वीडियोस हमारी पसंद करी हैं, आपके कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स को लेकर ही कुछ ऐसा ध्यान बना कि आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाए। अब यहाँ पर आए हुए एक साल हो चुका है, एक साल से कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, एक महीना डेढ़ महीना ऊपर हो गया है। तो अब आपके साथ यहाँ की इस एरिया के बारे में कुछ चीज़ें ज़्यादा शेयर कर सकता हूँ, अपने जो भी एक्सपीरियंस है आपके साथ ज़्यादा शेयर कर सकता हूँ। वीडियो शुरू करता हूँ। टॉपिक आपने देख लिया होगा, प्रोज एंड कॉन्स। बेसिकली ये प्रोज एंड कॉन्स न्यू ब्रंसविक पूरे को ही कवर करेंगे जितना मुझे पता है। कई जगह मतलब मेन सिटीज़ को तो कवर करेंगे ही, चाहे वो फ्रेडरिक्टन हो, सेंट जॉन हो या मंकटन। बेसिकली हम मंकटन में रह रहे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। तो ये मंकटन से ही जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले एक साल का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज जो प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए, तो सबसे पहले मेरा ध्यान है कि आपके साथ कॉन्स के बारे में ही बात की जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वीडियो के जो एंड होगा वो एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे कर पाऊँगा। जो यहाँ की अच्छी चीज़ें, जो चेंजेस आए हैं एक साल के अंदर, वो भी आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। तो सबसे पहला, आप जानते ही हैं, आप कई लोग पूछते हैं यहाँ के हेल्थ केयर कैसा है। तो ये सबसे पहला यहाँ की बुरी चीज़ कहेंगे, या फिर अभी एक डेवलपिंग स्टेज पे है कि हेल्थ केयर हाँ डेवलप हो रहा है। आपने छोटे मोटे काम कराने हैं तो वेल एंड गुड है। जैसे अभी लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि हमें छोटा सा ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जाना था, तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने वहाँ चले जाना है और करा के आ जाओ। तो वो तो ईजी है, अपॉइंटमेंट लेके आप ब्लड टेस्ट करा लो, दैट इज़ ईजी। बट अगर किसी को एमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो मंकटन की तो कि एमरजेंसी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप जाओगे तो आपको 7-8 घंटे वेट कराएंगे, चाहे आप जितना मर्जी प्रॉब्लम में हो। बच्चों को भी वेट कराते हैं कई बारी, तो मैंने जो नोटिस किया है वही आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले भी भावना ने शेयर किया था, तो वही आपके साथ आज दोबारा शेयर किया। दूसरा पॉइंट कहें, सर्दियों में आपको क्या होता है, अगर आपने ड्राइविंग टेस्ट देना है मंकटन के अंदर, तो डेट्स मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं वेदर के अकॉर्डिंग। तो आपने एक ये ध्यान रखना है। ये भी हो सकता है कि जो ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर लोग लेते हैं, क्लासेस देते हैं, वो लोग पहले बुक कर लेते हों डेट्स को, अपना बुक करके रख लेते हों, तो इसलिए नहीं मिल रही डेट्स, बट मुश्किल हो जाती है। तो आपका उस चीज़ का एक सोल्यूशन भी है मेरे पास। न्यू ब्रंसविक के अंदर छोटे छोटे एरियाज हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको ड्राइविंग टेस्ट मिल जाएगा। इसी से ही कार से रिलेटेड अगर मुझे क्वेश्चन आया था कि कैसे हो, मैं एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कार्स के ऊपर कि कैसे आप ले सकते हो या कहाँ कहाँ पर आप जा सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है आपको दिखाने के लिए। बट हाँ, अगर आपने कार्स यहाँ पर लेनी है, मंकटन में कार्स मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, पहले सुनने में आता, जो मेरे यहाँ पर कैनेडियन फ्रेंड्स हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि पहले ईजी होता था, अभी कार्स मिलनी यहाँ पर मुश्किल हो गई हैं। तो आप क्या कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से दूर थोड़ा हेलीफैक्स जाके कार दे सकते हो, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स हेलीफैक्स जाके भी कार लेके आए हैं और उनको वहाँ से अच्छी कार मिल गई है। बाकी फेसबुक मार्केट प्लेस से मिल जाती है, अगर आपने सस्ती टिकाऊ पहले इनिशियली लेनी है तो, नहीं तो बड़े सारे डीलर्स हैं। मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, जो आपका फिफ्थ पॉइंट है। बेसिकली ये है आपका, मंकटन में एक एयरपोर्ट है, आप जानते हैं, जहाँ पर फ्लाइट्स आप आती हैं, मतलब आप अगर इंडिया से भी आ रहे हैं, अपने एरिया से आ रहे हैं, तो नियर बाय मॉन्ट्रियल आपकी फ़्लाइट उतरेगी, फिर वहाँ से आप डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके मंकटन लैंड हो सकते हो, ये एक ऑप्शन है। बट अगर आपने कनाडा के अंदर ही कहीं मूव होना है या कहीं जाना है, तो मंकटन से फ़्लाइट लेना आज की रेट में बहुत कॉस्टली है, ये एक नुकसान है। क्योंकि यहाँ की जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पहले आती थी, पिछले साल तक उन्होंने आना बंद कर दिया है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट सुनने में आया कि एयर कनाडा का ही एक वो हो गया सेटअप यहाँ पर कि वो लोग जाती है। बाकी मंकटन्स की फ़्लाइट, अगर मंकटन से जो भी फ़्लाइट यहाँ से जाती हैं, वो बड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत महंगी है। इन द सेंस, मैं अभी टोरंटो का ही प्राइस चेक कर रहा था, मंकटन से $1500 का प्राइस पड़ता है टोरंटो का। अगर वही अगर हम डोमेस्टिक फ़्लाइट दूसरे जगह से लेते हैं, जैसे हैलीफैक्स से अगर हम लेते हैं, तो वो $150-$200 में आपको पहुँचा देती है। तो आप आइडिया लगाइए, 10 times महंगा है यहाँ से लोकल फ़्लाइट लेना। अगला पॉइंट आपका है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इमिग्रेंट नए हैं तो आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी करता है, आपका ग्रॉसरी पिछले एक सालों में बहुत रेट बढ़ गए हैं। मैं मानूँ तो 15% के आसपास रेज हुआ है यहाँ पे। चलो ग्रॉसरी हर जगह प्राइजेस बढ़े हैं, वो पूरे कनाडा में ही बात चल रही है, बट यहाँ पर थोड़े से प्राइजेस ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि
वो अल्बर्टा वाला वो नहीं है ना कि यहाँ से कुछ प्रोड्यूस नहीं होता ग्रॉसरी के अंदर, तो आप क्या करते हैं कि आप मंगवाते हैं बाहर से, तो वो वाला ऑप्शन है, इसलिए ग्रॉसरी महंगी पड़ती है। दूसरा, ग्रॉसरी में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिल्क के प्राइसेस ज़्यादा हैं जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। तो मुझे नहीं पता आगे जाके कम होगा या नहीं होगा, बट हाँ ये एक फैक्टर है यहाँ का नुकसान की मिल्क के प्राइसेस ज़्यादा हैं। अगर आप फैमिलीज में भी हैं तो आपका मिल्क ज़्यादा कंज्यूम होता है यहाँ पर, तो उसके प्राइसेस थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली किसी और प्रोविंस से। अगला, अगर मैं बात करूँ ये खाने पीने से ही रिलेटेड, तो यहाँ पर जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, या तो कभी टोरंटो से मूव होंगे या फिर जो भी बड़े एरिया से मूव होके आते हैं, तो उनको वापस क्यों जाना होता है, क्योंकि उनको अपना खाना पीना यहाँ पर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉइंट तो है, यहाँ पर है कुछ ऑप्शन खाने पीने के रेस्टोरेंट के, तो उसके अलावा ज़्यादा नहीं है, मैं कहूँगा 3-4 ही ऑप्शन हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट के, तो जो जहाँ पर आप जाके खा सकते हो, चाहे वो इंडियन रेस्टोरेंट हैं या एशियन रेस्टोरेंट्स हैं। एक टॉपिक और भी है अगर मैं कहूँगा तो, ये आपका है जो ग्रॉसरीज, इंडिया की ग्रॉसरीज, जैसे अपने एशियन ग्रॉसरीज होती हैं, यहाँ पर कम दुकानें हैं उसकी वजह से क्या है कि इनकी एक वो है, कम दुकानें तो अपने प्राइसेस हाई हैं उनके, तो जैसे जैसे आगे लोग आते जाएंगे या तो डिमांड बढ़ेगी, तो ये भी हो सकता है कि उसके प्राइसेस वो लोग कम कर दें, और भी दुकानें खुलेंगे तो ये भी हो सकता है कि कॉम्पिटिशन में कम हो जाए। बट हाँ, पहले से फ़र्क पड़ रहा है, लोग आ रहे हैं तो पहले आपको सामान कम मिलता था, अब आपको वैरायटी ज़्यादा मिलती है, तो ये अब ये पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा। बट हाँ, तो ये हो गए आपके कॉन्स जो इस एरिया के थे। अब मैं आपसे बात करूँगा जो इस एरिया की पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ आने के। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका डे वन पर शुरू हो जाता है, रेंट। कंपेयर करोगे किसी दूसरी जगह से तो रेंट आज भी कम है। हाँ, अगर रेंट की प्राइसेस पूरे कनाडा में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फिर भी कम है अभी तक, क्योंकि लोग उस लेवल पे नहीं है यहाँ पर जितने होते हैं, जैसे जितने टोरंटो वगैरह जितनी जगहों पे हैं, या जितने वैंकूवर में हैं, अल्बर्टा में हैं, कंपैरेटिवली उतनी भीड़ यहाँ नहीं है, तो आपको रेंट कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। अगला, जो लोग यहाँ पर घर खरीदने के मूड में हैं तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि घर यहाँ पर अभी कंपैरेटिवली चीपर है, क्योंकि मैंने कुछ, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, अगर आप जाएंगे फेसबुक के अंदर और मार्केट प्लेस पर सर्च करेंगे तो आपको प्राइसेस दिख जाएंगे। अब आप कंपेयर खुद भी कर सकते हो अल्बर्टा से और बाकी जितनी भी बड़ी प्रोविंस है उनसे कंपेयर कर सकते हो, घर अभी भी सस्ते हैं। महंगे हो रहे हैं जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं पता किस वजह से हो रहे हैं, या तो जैसे हम लोग बड़ी जगह से आते हैं तो हमारे एक वो होता है प्राइस का फैक्टर कि हम ज़्यादा खर्च सकते हैं, तो यहाँ का जो भी डीलर होगा वो उसको दिख रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी महंगी बिक सकती है, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं, जो ये मेरी सोच है। तो फिर भी कहूँगा प्राइस कम है घर के लिए, अगर आप घर खरीदना है तो सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आप फैमिली इमिग्रेंट्स अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आप जल्दी अपना घर ले सकते हो। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो NBCC आ रहे हों, क्रेंडल आ रहे हों, ऑल्टन कॉलेज, बहुत सारी जगहें हैं, आप लोग जो भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए जॉब मिलना इतना मुश्किल यहाँ पर नहीं है। मैं और ये सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आप यहाँ पे कोर्स भी सेलेक्ट करते हो तो फैमिली भी ये कहती है भाई बच्चा जॉब उसको मिल जाएगी कि नहीं, कि कहीं छोटी जगह हो जॉब ना मिले, घर से पैसे भेजने पड़े, तो सब ये फैक्टर हर बंदे के ध्यान में रहता है, तो जॉब ईजिली मिल जाती है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भावना स्टूडेंट पर आई थी, जॉब उसको भी मिल गई थी, इनफैक्ट बड़ी जल्दी मिल गई थी, और हमारे कई फ्रेंड्स कुछ सब्सक्राइबर्स भी आए हैं उनको भी जॉब बड़ी जल्दी मिल गई, तो ये प्रैक्टिकली ही है कि जॉब यहाँ पर ईजिली मिल जाती है। अगला जो पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं ये बढ़िया है, मतलब बढ़िया इन द सेंस आपकी पढ़ाई आपकी पूरी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता, वो तो खैर पढ़ाई पूरे कनाडा में सेम है, पर पॉइंट ये है कि आपको वीज़ा सक्सेस होता है यहाँ पर, अगर आप क्रैंडल में एडमिशन ले रहे हो, जैसे हम लोग आए हैं 35-34 की एज में, तो इसके थ्रू एक आपका पाथवे बन जाता है इस एरिया में एंटर करने का, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर आप हमारी एज में हैं 30+ है, क्रैंडल बेस्ट ऑप्शन। अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या करें, अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं NBCC, इससे बड़ी ऑप्शन नहीं है, ज्वाइन करो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, उसके बाद धीरे धीरे वर्क वीज़ा PR वो बाकी आपको सब पता ही है। अगली बात पॉजिटिव,
कंपेयर करोगे एयर क्वालिटी, जो सबसे ज़रूरी होती है अगर आप एशियन कंट्री से आते हो, कि हमारे वहाँ पॉल्यूशन है, तो यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका अपनी फैमिली को मूव करने का। मेरा पर्सनल फैक्टर यही है कि मेरे पेरेंट्स आए, क्योंकि हम लोग दिल्ली से हैं और दिल्ली का तो जग जाहिर है कि पॉल्यूशन बहुत सारा है। तो मेरा हमेशा ध्यान ये रहता कि जल्दी से जल्दी पेरेंट्स आ जाए, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े। पॉल्यूशन एक इससे ऊपर नहीं होता, कभी दो लिखा जाता तो लिखा होता पुअर एयर क्वालिटी कंपेयर टू यस्टरडे, तो एक या दो। हमारे वहाँ पे 400 500 300 एयर अपना रहता था, आपको बताइए। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर आने का। और इस एयर क्वालिटी को अगर आप बड़ी सिटी से भी मैच करोगे तो भी बहुत कम है, क्योंकि लोग कम हैं, पोल्यूशन कम हो नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपका आसपास के एरिया है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इस एरिया के अंदर खाली खाली है, आसपास की बड़ी सारी जगहें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जब भी हम लोग जाएंगे, आपको पूरा घुमाऊंगा यहाँ पर। जैसा अब हम लोग निकलेंगे समर्स में तो मैं आपको सारी जगहें दिखाऊंगा। ये एक यहाँ का पॉजिटिव है, वो तो खैर पूरे कनाडा का ही है, पर ये सब चीज़ें लोगों ने देखी नहीं है क्योंकि लोग वीडियो बनाते नहीं यहाँ पर आके। तो एक ही अगला बड़ी ऑप्शन है यहाँ पर भी। जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे, मुझे पता है जगह हर बंदे के ध्यान में होता है कि एक छोटी जगह पर जाऊँगा तो कहीं मैं फंस ना जाऊँ। तो अगर मैं वीडियो को एंड करूँगा तो एक उस नोट पे एंड करना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में था यहाँ पे आने से पहले, कि भाई कहीं पता चला कोई हो ही ना बात करने को। तो आप लोगों से बस इतनी बात शेयर करनी है कि हमारे यहाँ की कम्युनिटी बहुत सारी है यहाँ पर, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, इनफैक्ट श्रीलंका से हो, मैं सबसे मिल चुका हूँ, नेपाल से हो, इनफैक्ट बांग्लादेश से हो, तो मैं एशियन कम्युनिटी से मिल चुका हूँ यहाँ पर। बहुत सारी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ यहाँ रुकेंगे, बड़े सारे फंक्शंस भी होते हैं, आप वहाँ जा पाओगे। एक टॉपिक ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो आपका आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, लोगों के साथ घुल मिल सकते हो, जॉब मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, पढ़ाई बच्चों की सेम है पूरे कनाडा में, फ्री है एजुकेशन, मेडिकल सेम है, ख़राब है हर जगह पे, कोई यहाँ पे अलग से ख़राब नहीं है। तो मेन मेन चीज़ें मैंने सारी आपके साथ शेयर कर ही ली हैं। गाड़ी लेना आसान है यहाँ पर, गाड़ियाँ हाँ ठीक है मिलती कम है लेकिन सस्ती मिल जाती है अगर आप कंपेयर करोगे तो। ठीक है, हर चीज़ें आपके साथ क्लियर है। इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना हो तो पक्का पूछो, इंस्टाग्राम है हमारा, वहाँ पर पूछो, पर्सनली मैसेज डालो, मैं हम लोग जवाब देंगे आपको। और अगर यहाँ आ रहे हो तो एक बार फिर से मिलो, इनफैक्ट अपना मैसेज डालो कि मैं नंबर शेयर करूँगा, पर जब आप यहाँ लैंड हो गए तब करूँगा, मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी हेल्प चाहिए हो मिलो, कई लोग मिलने आ भी नहीं, आपसे मिलवाऊंगा जो लोग यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं, तो जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आपने देखा वीडियो को, अगर आपको कोई ना कोई हेल्प हुई हो मंगटन में आने के लिए तो मेरा काम वीडियो बनाने का हो जाता है उससे। तो यही है, एक आपके लिए एक पॉजिटिव नोट पे वीडियो को एंड करूंगा कि भाई आपने आना है, आँख बंद करके आ सकते हो, सारे काम होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर आने में। आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि उसी से हमारे को एक मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।